हरा सोना के नाम से विख्यात तेंदुपत्ता नारायणपुर जिले के ग्रामीणों के आय का एक प्रमुख जरिया। पूरे जिले भर से हजारों परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जिले की अधिकांश ग्रामीण आबादी आज भी पिछड़ी है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच तक नहीं, जिसके चलते अधिकांश ग्रामीणों के बैंक खाते तक नहीं है और जिनके बैंक खाते हैं उनमें तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि के आने की जानकारी नहीं मिल पाती। नेटवर्क समस्या की वजह से कई बार ग्रामीणों को महीनों महीनों तक राशि का भुगतान नहीं हो पाता। वहीं जिनका भुगतान हो जाता है उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती। साथ ही ग्रामीणों को अपना पैसा प्राप्त करने के लिए बैंकों के चक्कर तक लगाने पड़ते हैं, जिससे हताश परेशान सैकड़ों ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि नगद रूप में देने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों से जिला कलेक्टर अजीत बंसल को अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने उक्त मामले के समाधान के लिए डीएफओ को निर्देशित करने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीण अपने घर लौट गए। क्या नाम है, अपना परिचय दोगे और बताओगे कि कहां से रहने वाले हो आप और क्या मुद्दा को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय आए? जी, मेरा नाम दयालु राम दुग्गा है, मैं ग्राम काना गाँव में रहने वाला हूँ। आज इस मुद्दा को लेकर आए हैं हम लोग कि हम लोग को तेंदुपत्ता तोड़ाई में, हम लोग गर्मी में इतना तोड़ाई करते हैं और फिर क्या है, खाता में जाने का बात चल रहा है तो खाता में नहीं जाना है पैसा, अपन को नगद भुगतान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग पूरा नारायणपुर जिला के सभी लोग मिलके यहाँ पे हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। कितने लोग आए हुए यहाँ पे और क्या नुकसान होता है खाते में पैसा? अब खाता में क्या है, किसी का खाता है किसी का नहीं है, किसी का एक क्या है होल्ड हो जा रहता है, बैंक का चक्कर काटना हम लोग को मुश्किल हो जाता है, बार बार जाओ बार बार आ जाओ, हम लोग को परेशानी होता है इसमें। तो हम लोग को क्या है नगद भुगतान हम मांग कर रहे हैं, हमको नगद भुगतान होना चाहिए। आपको कितने लोग आज यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय आए हैं आप लोग? अब हम लोग तो यहाँ हैं, बहुत ही सारे लोग आ गए हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा इसमें बहुत जनसंख्या के साथ आ गए हैं। हमारा मांग है जो पूरा होना चाहिए कलेक्टर। क्या बोले कलेक्टर महोदय से मिले तो? अब कलेक्टर महोदय को मिले तो अब विज्ञापन सौंपे हैं, अब क्या कर रहे हैं वो तो उतना तक पता नहीं है हम लोग को, अभी क्या करेंगे हो जाएगा। तो हम लोग को यही है कि नगद भुगतान किसी भी प्रकार से होना चाहिए। अब एक दो लोग का तो खाता होता रहता है, बाकी किसी लोग का वो होल्ड रहता है, किसी लोग का ऐसी खाता नहीं रहता है, तो परेशानी हो जाता है कि कैसे टाइप के हम लोग वहाँ से खाता में जाएगा पैसा, किसी का मिल जाता है किसी का नहीं मिल जाता है, अरे नहीं डाला पैसा तो मेरा पहले का था, ये सब चीज़ का बहुत ही सारी परेशानी आती है हम लोग को। मेरा नाम श्यामलाल दुग्गा है, मैं ग्राम भंडा का रहने वाला हूँ। हम इस मुद्दे को लेकर आए थे तेंदुपत्ता संग्रहण का नगद भुगतान के लिए। हमें आने जाने बहुत दिक्कत होती है और हमारे गांव 10-12 किलोमीटर है, आने का सुविधा भी नहीं होता और बैंक का चक्कर काटने बहुत परेशानी होती है। हमारा कहना यह है बहुत गर्मी में पत्ता तोड़े रहते हैं और हमें नगद भुगतान चाहिए। अब बैंक का चक्कर काटने में बहुत परेशानी होती है, हमारा खाता होल्ड है, कई लोग का बंद है, इस वजह से हम लोग को भुगतान नहीं हो पाता, इसलिए हमें नगद भुगतान चाहिए। कलेक्टर सर का कहना यह है कि मैं डीएफओ साहब तक आपका ज्ञापन को पहुँचाऊँगा, यही कहे, आगे तो कुछ बोले नहीं हम लोगों को, बस इतना ही कहे कि ज्ञापन को पहुँचाऊँगा डीएफओ साहब तक, बस इतना ही बोले। मांग पूरा नहीं होता है तो आगे क्या कुछ रणनीति? आगे भी हम मांग पूरा नहीं होने से आगे और कार्रवाई करेंगे और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके फिर से ज्ञापन सौंपेंगे, मंत्री तक जाएंगे, मंत्री साहब को भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उनके नाम भी ज्ञापन दिए हैं, अभी उन तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सीताराम उइके, जमरी का पटेल हूँ। यहाँ पे आज कलेक्ट्रेट सर को मिलने आए थे, क्या चीज़ को लेके मिलने आए थे? यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आने का मतलब ये हुआ कि हमारा सभी नारायणपुर जिला का जो समिति है, हमारा गढ़बेंगल समिति और एड़का समिति, नारायणपुर समिति और सोनपुर समिति, ये समिति के सभी प्रमुंशी और हम ग्रामवासी यहाँ आए हैं कि हमको नगद भुगतान होना चाहिए, बैंक का चक्कर नहीं काटेंगे, हम लोगों का कहना है। बैंक का चक्कर ने जो पैसा खाते में आने से उसमें क्या आप लोगों को नुकसान होता है, क्या परेशानी होती है? खाते में आने से हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये मनरेगा का पैसा है कि या तेंदुपत्ता का पैसा है, कई लोग को या पता नहीं रहता, इस कारण से हमारा भाइयों बहनों ने गर्मी में पसीना बहा के तेंदुपत्ता तोड़े हैं और हमको हाथ में ही नगद भुगतान
होना चाहिए, ये हमारा सभी परमियों ग्रामवासियों का मांग है। पठानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।